हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग है भीमा शंकर का। भीमा शंकर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, जो कि पुणे से 125-150 किलोमीटर दूर दूरी पे स्थित है। आपको 1-1.5 घंटे का टाइम लगेगा। पुणे से हम लोग गए थे भीमा शंकर, और हम लोग गए थे अक्टूबर में संडे के दिन गए थे हम लोग। बहुत ही अच्छा व्यू है भीमा शंकर। पहुँचते टाइम आपको रास्ते में इस टाइप से पूरा पहाड़ के ऊपर से दोनों साइड फुल ग्रीनरी मिलेगी। एंड रोड की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो रोड एकदम बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोड है, और कहीं पे आपको कोई भी रोड को लेके डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। इवन दो पहाड़ के बीच में से रोड बनाए हुए हैं, बट फिर भी एकदम साफ़ सुथरा और अच्छा वेल मेंटेन्ड नया बना हुआ रोड है। तो जो भी भीमा शंकर जाने का प्लान कर रहे हैं, वो लोग देख सकते हो रोड की कंडीशन कैसी है। हम लोग अक्टूबर में गए थे, बहुत ही प्लीजेंट मौसम था एकदम। दोनों साइड में पूरी हरियाली थी, एसी की ज़रूरत ही नहीं थी। 19 डिग्री के करीब टेम्परेचर मिला हमको उस टाइम पे। तो जैसे ही हम लोग वहाँ पे पहुँचे, पार्क करने के बाद गाड़ी हमने वहाँ से मतलब आप लोगों को मंदिर से करीब 500 मीटर पहले ही पार्किंग एरिया में गाड़ी पार्क करवा देंगे। गाड़ी पार्क करने के बाद आपको जो वहाँ पे लोकल वैन और गाड़ियाँ रहती हैं, जो मंदिर तक आपको लेके जाएंगी, तो आप लोगों को गाड़ी पार्क करनी है पार्किंग एरिया में। फ्री पार्किंग है। हम गए थे उस दिन, बहुत भीड़ थी, लेकिन फिर भी हमारा दर्शन हुआ। बट आप लोगों को गाड़ी पार्क करने के बाद लोकल टैक्सी लेके आगे जाना है। और मंदिर के दोनों साइड आपको बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें मिलेंगी, जहाँ पे आप नींबू पानी वगैरह, मिठाई, पेड़ा, प्रसाद और ज्वेलरीज, एक्सेसरीज, माला वगैरह की दुकानें। और फिर ऐसे नीचे जाने के लिए ना पूरी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो सीढ़ियों से आपको चल के वैन से उतर के 20-20 रुपए लेगा वैन वाला एक बंदे का। वैन से उतरने के बाद आप लोगों को ऐसे सीढ़ियों से उतर के और फिर नीचे जाना पड़ेगा मंदिर के लिए। तो हम गए थे संडे को, तो संडे को बहुत भीड़ थी। यहाँ पे आपको हार, फूल, प्रसाद वगैरह मिल जाएगा अगर किसी को लेना है तो। और ऊपर ऐसे शेडिंग का ये बना हुआ है, लेकिन शेड था नहीं इसके ऊपर, पूरा ओपन था। तो क्योंकि अंदर बहुत भीड़ थी उस दिन, और भीड़ की वजह से रश की वजह से गर्मी थी थोड़ी, बट फिर भी ठीक है, मैनेजेबल थी, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगी। तो हम लोग ऐसे सीढ़ियों से उतरने के बाद आपको अंदर मंदिर में दर्शन के लिए लाइन में लग के जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी। सुबह 10 बजे के जो लोग लाइन में लगे हुए थे, उनका नंबर भी अभी तक आया नहीं था। हम लोग ऑलमोस्ट 2-2.5 बजे वहाँ पे पहुँच गए थे। इस टाइप के दोनों साइड आपको रोड पे स्टॉल्स मिलेंगी, जहाँ पे आप कुर्ते वगैरह और ज्वेलरीज ये सब ले सकते हैं, और मूर्तियाँ। बहुत अच्छा है, मतलब जो मंदिरों के दोनों साइड में दुकानें मिलती हैं, ये देखो आपको मैं दिखाती हूँ लाइन, यहाँ से लाइन शुरू हो गई है। एंड इतनी ज़्यादा रश है पूरा लाइन में, बोलबम के जयकारे लगते हुए और हर हर महादेव की जयकारे लगते हुए। एंड यहाँ पे जो लाइन है मंदिर के बाहर, ऊपर आपको शेडिंग मिलेगी। फिर उसके बाद जब हम वापस आ रहे थे वहाँ से, तो शाम हो गई थी। शाम का भी बहुत ही प्लेजेंट वेदर था। दोनों साइड में रोड के दोनों साइड में खेती की हुई है चावल की, एंड चावल के छोटे छोटे पेड़ लगे हुए थे, बहुत सुंदर लग रहे थे देखने में। एंड बहुत ही प्यारा, मीन्स आप लोग एक पिकनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी यू कैन स्पेंड फुल डे हियर, मतलब पूरा दिन आप लोग यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। आप अपना खाना वगैरह पैक करके लेके आ सकते हो, एंड दोनों साइड में आप बैठ के आप लोग खा सकते हो। फिर यहाँ पे आपको नियर बाई रिजॉर्ट भी मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे रिजॉर्ट भी हैं। एंड MTDC का भी मिल जाएगा, महाराष्ट्र टूरिज्म का जो गेस्ट हाउस है वो भी अवेलेबल है। मंदिर से ज़्यादा दूर नहीं है, करीब 4-5 किलोमीटर डिस्टेंस से पे ही आपको, अगर आप रुकना चाहो शाम को, मीन्स जो लोग दूर से आते हैं इफ़ दे वांट टू स्टे, तो रुकने के लिए भी आप लोगों को रास्ते में काफ़ी अच्छे रिजॉर्ट मिल जाएंगे।
तो आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हो, महाराष्ट्र टूरिज्म का रिजोर्ट बहुत अच्छा है। एक दो और भी रिजोर्ट्स हैं, मैं उनका नाम अपना डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। लेकिन गाइस ओवरऑल व्यू बहुत ही अच्छा था, हमारे दर्शन भी अच्छे से हो गए और दर्शन में कोई भी दिक्कत नहीं आई। बट भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा रश थी। अगर आप श्रावण महीने में आएंगे तो यहाँ पे और भी ज़्यादा रश मिलेगी। तो हम लोग गए थे कनागतों में मीन्स अक्टूबर में, तो उस टाइम पे भी बहुत रश था। बट व्यू आप देख लो, आप खुद ही देख सकते हो, पूरा पहाड़ हरियाली एंड सब कुछ बहुत अच्छा था। तो आपको मैं मंदिर के बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ। मंदिर में अंदर जाते टाइम आपको एक तो फ़ोन मोबाइल फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, एंड आप लोग शॉर्ट कपड़े पहन के नहीं जा सकते, लाइक आपको फुल कपड़े ही पहन के जाने पड़ेंगे। और बाकी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है वहाँ पे आपको। हमने नींबू पानी भी पिया था, ये देखो सब लोग बैठ के यहाँ पे लेमन सोडा नींबू पानी पी रहे हैं। तो मतलब जब गर्मी से पूरा स्वेटिंग हो गया था, हालत ख़राब थी, तो हमने पिया। और ये दिखाती हूँ आपको मैं वैन के अंदर का, जो मैंने आपको बताया था कि गाड़ी पार्क करने के बाद आपको मतलब शेयरिंग टैक्सीज या वैन में बैठ के मंदिर तक जाना पड़ेगा। तो 20-20 रुपीज़ यहाँ से आपको लगेंगे हर एक आदमी के। तो एक 2 मिनट का ही रास्ता है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है पार्किंग से लेके मंदिर तक के एरिया में। आप मैक्स हार्डली 5 मिनट्स में पहुँच जाओगे। और अगर आप चाहो तो सेपरेट भी कर सकते हो, बट उसके लिए आपको चार्जेस एक्स्ट्रा पड़ेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ऐसे थी हमारी टैक्सी के ना साइड में डोर भी नहीं था गाइज, मैं तो बहुत ही डर गई थी, लेकिन अच्छा रहा कुल मिला के। और ये देखो जहाँ से हम लोगों ने एंट्री की थी, ये मंदिर के बैक साइड का एरिया है, क्योंकि अंदर तो फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो मैं अंदर का आपको नहीं दिखा पाऊँगी। ये मंदिर के पीछे का एरिया है जहाँ से हमने एंट्री ली थी, क्योंकि हम लाइन में लग के इतना मतलब इंतज़ार नहीं कर सकते थे, तो हमने बैक साइड से एंट्री किया था और दर्शन बहुत अच्छा हुआ। ये बैक साइड का पूरा एरिया है जहाँ से मतलब एग्जिट होते हैं, वहाँ से हम लोग एंट्री किए थे। और यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ थी पीछे की साइड में भी। मैंने ट्राई किया था अंदर का फोटोग्राफ लेने के लिए ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ, लेकिन गाइज नहीं, मैं मतलब वहाँ पे अलाउ नहीं था और वहाँ पे आप बैठ भी नहीं सकते। फिर भी मैंने एक छोटा सा लिया था वीडियो, ये देखो ये मंदिर के अंदर का है पूरा का पूरा वीडियो। और अंदर आपको चांदी का शिवलिंग और ऐसे बाहर से दर्शन मिलेंगे। तो भीमाशंकर बहुत ही अच्छी प्लेस है और आपको जाना चाहिए। ज्योतिर्लिंग है, प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ये महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है। आप लोग भी विजिट करिए। हर हर महादेव।